हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कर देखते हैं ब्लॉग की शुरुआत। अभी सुबह का बज रहा है 10:30 और नाश्ता पानी हो गया है, नहाना भी हो गया है हमारा। तो मैं तो अभी जा रहा हूँ शॉप पे, तैयार भी हो गया मैं। और ये दोनों दिखाता हूँ क्या कर रहे हैं। ये दोनों यहाँ पे खड़े हुए बालकनी में। क्या क्या दे दो, क्या दो, पहले नाम बता इसका। नाम बता, स्टिक नाम बता। नाम नहीं पता, बाहर ना धूप हो रही थी अच्छी सी अभी तो थोड़ी देर पहले, और पूरा काला काला मौसम हो गया। इधर से तो पूरे काले बादल आ रहे हैं। बारिश तो खैर होगी होगी, इसने गद्दा पे डाल रखा इधर ना। और इसने अनाज बाहर दोनों गद्दे डाल रखे है। ओ भाई कैसा मौसम हो गया, काला बिल्कुल। ये देखिए छोटे छोटे हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं ना। हम भी छोटे में इनको हेलीकॉप्टर ही बोलते हैं। हेलीकॉप्टर है ये उड़ रहे हैं, ये जो उड़ रहे हैं ना छोटे छोटे, ये उस पे आते हैं ना। इसमें ना पता क्या करता था, मैंने रस्सी बांध देता था तो उड़ाते थे ऐसे करके। बात हो गई यार। हाँ, कितना भयंकर मौसम हो गया यार। सारे मेरे कपड़े हैं दादी, दादी वहाँ देख मंदिर भी पहले। आंटी जी खड़े हुए ना, तो बात कर रही है। शिवा खेल रहा है। दद्दी सागर को गए ना, 10 मिनट हुए और मौसम दिखाती हूँ मैं। देखो बारिश हो गई, वो तो अच्छा हुआ ना। 5 मिनट पहले ना मैं कपड़े ले आई थी, सारे गद्दे वगैरह ले आई थी मैं, तो नहीं भीगे, मतलब सही हो गया। सब डाले हुए थे मैंने, क्योंकि सुबह ना धूप हो गई थी तो थोड़ा बहुत ना गद्दे तो हो ही गए होंगे, लेकिन ये हुआ कि गर्म हो रखे, अच्छे हो गए। 2 घंटे की धूप लगी हुई थी इनमें, 2 नहीं 1.5 घंटे की। और यहाँ भी फैलाए हुए थे, सारे अंदर रख दिए। कल वाले कपड़े भी ले आई, ये भी सूख गए, ये भी नहीं भीगे, क्योंकि सागर का ना फ़ोन आ गया था मुझे कि बारिश आने वाली है। सूख गए सारी जीन्स वगैरह भी ना, सूख गई। उनके मौसम का कोई वो नहीं, सुबह ना सारे बादल मतलब एक किनारे ना छट गए थे, फिर अचानक से पता नहीं क्या हो गया, काले बादल हो गए। तो सबसे पहले ना मैं सूखे हुए कपड़े हैं ना, ये भी हैं कुछ और कुछ ये भी हैं, तो मैं इनकी ना तह लगा के रख लेती हूँ, फिर धीरे धीरे करूँगी। माल वगैरह तो मैंने संभाल दिए हैं, जहाँ जगह है इनकी, बस कपड़े संभालती हूँ, फिर गद्दा बिस्तर वगैरह लगाती हूँ, तब करूँगी झाड़ू पोछा, तभी नहलाऊँगी शिवा को भी। 11:45 हो रहा है अभी। तो बेड ना अच्छे से कर दिया मैंने, ठीक सब कुछ अच्छे से कर दिया, बेड वगैरह। गद्दे ना थोड़े से सही लग रहे, क्योंकि सुबह तो थी धूप, तो जितनी धूप लगनी थी पर अच्छे से ना पूरे दिन की धूप लगती ना गद्दों में, तब मज़ा सा जाता। लेकिन अब देखो इतनी तेज़ बारिश हो रही है बाहर। वे ना मैंने करेले काटे थे, आधा किलो से ज़्यादा करेले थे, लेकिन इतने करेले ख़राब निकले ना, तो यही हो पाए। मैंने इनको नमक के पानी में मतलब नमक में डाला हुआ था, अब मैंने धो दिया अच्छे से। दीदी नहला रही आज शिवा को वो पानी में बैठा हुआ दीदी नहला रही शिवा को ना, अब जाके नहाई। जब दीदी आई थी ना ऊपर, तो तब मैं नहाई, अब मैं बना रही हूँ चाय। आगे बाहर वहाँ पे, क्योंकि अकेले नहीं छोड़ना ना शिवा को क्या से क्या कर देगा फिर, तो चाय बनाती हूँ। रविराज ना रसमलाई लेके आ रखा है, भैया लेके आए ना 15 अगस्त की रसमलाई है ना, है ना 15 अगस्त है। तू शिवा को ना खाना है कि देरी में देरी। शिवा खा ले, खा लो। मक्खी भी आ गई, दरवाजा खुला है ना पीछे का, खा ले। अच्छी हो रही है शिवा, सही लग रही है आपको। शिवा ना फर्स्ट टाइम रसमलाई खा रहा, देखो क्या हाथ पे रख रहा फिर खा रहा। ऐसे नहीं करते, गंदी बात मुंह में डालो। हाँ सब्जी बन रही है करेले की, थोड़ा सा और पकाऊंगी इसको, फिर बंद कर दूंगी गैस। सारे कपड़े ना मैंने यहीं पे फैला दिए, क्योंकि अब तो यहीं से ही आएगी धूप,
तो छत पे भी क्या फैलाऊँ, बेडशीट वगैरह भी धुली थी सुबह और ये दरी धुली थी मैंने सुबह। और एक बज गया है, सब्जी भी बन गई है और आधा पौना घंटा आराम करती हूँ फिर रोटी बनाऊँगी। सब क्या कर रहे हो तुम बाहर? क्या कर रहे हो तुम बाहर? घुमा रहे हैं यहाँ गया जरा सा, पूरी तेज बारिश होने लग गई। मैं तो पहले भी आई थी ना, मतलब यहाँ भी तो मैंने संभाल देते रह जाते ही पर गद्दे भीग जाते। अगर मैंने 5 मिनट पहले ना कपड़े वो थे और बम 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 कर जाते। क्या ही मम आया ते बना रही है अब रोटी खाने में आज करेले की सब्जी। शिवा टूट जाएगा वो, मैं निकाल रहा रुक जा, रो मत। हो रहा है घड़ी शिवा, नहीं नीचे उतरो, टाइम ही चेंज कर दिया मेरे। क्या हो रहा है नीचे, थोड़ा टाइम चेंज कर दिया इसने। शिवा के ड्रामे चल ही रहे हैं आज और ये पूरा दिन आज सोया नहीं। और मैं कर रही हूँ दूध बॉयल, तो शिवा तो बाहर है और मैं थोड़ा ना बाहर गई हुई थी तो मुझे ना छोटे छोटे ना बच्चे मिले थे, मतलब हमारी वीडियो देखते हैं वो, अभी तो दिख नहीं रहे, देखती हूँ। यहाँ पे बैठा हुआ कार्टून देख रहा है और इस वाले घर में आ रखे छोटे छोटे बच्चे ना, दिख नहीं रहे अभी। मिले तो तब बोल रहे थे कि हम आपके ब्लॉग्स देखते हैं तो अच्छा लगता है जब कोई मिलता है ना ऐसे। तो बच्चे अभी मतलब फ़ोन नहीं था ना मेरे पास, नहीं तो मैं वीडियो वगैरह बना लेती उनकी। तो चलो कोई नहीं, शिवा को घुमाने के लिए बाहर पे ले आई। और गमले वगैरह तो ना काफ़ी अच्छे हो रखे हमारे। नीचे उतरना क्यों चलता है ना ऐसे, चलता है ना जैसे कि शिवा तो छोटे छोटे बच्चे आ रखे हमारी वीडियो देखते हैं। कहाँ गए दीदी, कहाँ गए वो है वो देखो। हेलो करो दीदी को, हेलो बोलो, हाय बोलो। शिव ना उनके साथ, उनको देखे ना खुश हो रहा है। आजा इधर आजा, फिर जा रहा देखना उनको। हाँ गो गए, अजय इधर आजा। क्या खेलेगा, क्या ये फटाफट भागता है वो इधर, फिर इसके पीछे तो ना ऐसे भागना पड़ता। तो पैर कहाँ मलेंगी दादी, अब हाथ तो मल दिए दादी ने तेरे हैं। हाँ कभी कुछ लगवा के आ रहा हाथ पे, कभी पैर पे जानबूझ के। देख वो डॉगी देख उधर, देख लिया, अगर नहीं करेगा ना डॉगी को बुलाऊंगी। करेगी वो है शिवा, क्या हो रहा, घी चल रही। तो अब ना पूजा करेंगे और दलिया भी गोया हुआ है मैंने। हाँ दे दी शिवा ना बाहर ना दुकान की तरफ कर रहा था कि मेरे को चीजी दिला दे, मैंने कहा घर के अंदर है, सीधा आके ना यहाँ पे आ रहा। इसको ना याद है कि मेरी माँ ने क्या बोला था, पहले मैं इसको चीजी दे देती हूँ फिर मैं करती हूँ आगे का काम शुरू। बना लिया नमकीन, बना रही हूँ, बन रहा है। ऐसे मैंने ना लौकी और एक आलू डाल दिया है, तो लौकी शिवा को अच्छी लगती है तो मैंने इसी में डाल दी लौकी। जय करो, हाँ बाबा नहीं है हनुमान जी हैं, जय करो। अभी हमने पूजा करी ना, जय करो ना। माँ कैसे करती है हाँ ऐसे, अब वहाँ रख देंगे ठीक है मंदिर में हैं। क्यों इधर लाओ, सुबह नहीं पढ़ी ना आज हनुमान चालीसा, लेट हो गया था तो जब मैं सुबह नहीं पढ़ पाती हूँ तो मैं रात में पढ़ लेती हूँ।
कृष्ण नौटंकी को मेरा ना यहाँ पे वो रखा हुआ था स्कार्फ सिर पे रख के बोला जय, वहाँ जा जाके कर रहा जय और दलिया खिलाया इसे सारा गंदा करा, तो मैं दरी ना साफ कर रही थी, आज ही की धुली दही दरी है तो मैं ऐसे ना छोटा मोटा ना वाइप से साफ कर रही थी कि थोड़ा ना दलिया निकल जाए। शिवा को भी ऐसे साफ किया, अब इसको कपड़े पहनाती हूँ, सारे कपड़े बांध दिए, मैंने भी खा लिया, शिवा ने भी खा लिया और दलिया ही खाया मैंने। तो क्या बोलते हैं, शिवा को थोड़ा देर तो मतलब कुछ टाइम मैंने खिलाया शिवा को, लेकिन इसका वही है जब तक अपने हाथ से नहीं खाता इसका मन नहीं भरता है, पेट भी नहीं भरता है, अपने हाथ से ही खाना अच्छा लगता है इसको। और ना हमारी सारी है पानी की आवाज़ आ रही, मैंने कहाँ आ रही पानी की आवाज़, नहीं ख़त्म नहीं हो रहे, वहाँ ना जा जा के कर रहा जय 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 जय, बच्चे ना हम ही से सीखते हैं। शिवा तो मम्मा को देख के क्या क्या काम करता है। तो शिवा आपने क्या किया अभी, आराम करने के लिए ना आराम नहीं करने देता, देखो कैसे मात्रा कैसे मात्रा वो गंदी बात, मैं ऐसे पिटाई नहीं करते देख सब बोल रहे शिवा कितना गंदे, पता मैं यहाँ पे लेटी हुई थी तकिया ले करके कि थोड़ा आराम कर लो, और ये इसने मेरे को इतना अच्छी बनाई है, मैं थप्पड़ मारूंगी। और इसको इसने मेरे को जो आराम करने दिया हो, मैंने कहा भी 15-20 मिनट भी सागर आने वाले हैं, फिर रोटी वगैरह बनाऊंगी, थोड़ा ना आराम कर लेती हूँ। और मेरा बच्चा है ना ये इतनी मैंने इतना वो करा ना छोटी टी शर्ट पहना दूँ, भाग रहा गर्मी भी काफ़ी हो रही, उमस होने लगी बहुत ज़्यादा ना बारिश होने के बाद से। शिवा क्या कर रहा शिवा, घी पहाड़ों से मंगाया तेरे यहाँ से मेरे यहाँ से घी आया अरे चाचा ने मंगाया ना किसी से, ये ना स्पेशल मेरे लिए आया है क्योंकि ये है वो पहाड़ी घी, गाय का घी है ना, प्योर गाय का घी है, तो मेरे लिए ना जरूरी था इस टाइम पे, चाचा ने मंगवाया। तो खाना पीना भी हो गया है और ये तो दोनों सो गए हैं, और इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड, और कल मिलते हैं ब्लॉग के साथ। गुड नाइट, बाय बाय।